मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? मुझे आशा है कि आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बोर्ड एग्जाम 2024 को शानदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा तब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करके गर्दा मचा देते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है जी, स्विच लगाए जाते हैं। तो आपको जनरली पता है कि स्विच लगाया जाता है गर्म तार में, या आपको घर में जब बोर्ड लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि स्विच किस में लगाया जाता है, गर्म तार में। 26, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस। 27, मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है, उत्सर्जन। 28, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, अस्पर्मक। 29, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। 30 नंबर, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन। और 31 नंबर क्वेश्चन से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में। 32, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 33 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। 34, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, डायोप्टर। 35 नंबर, किस माध्यम किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, विचलन कम होता है लाल का और ज्यादा कहा जाता है बैगनी का। 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन को बोला कि बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, दृष्ट धारा। और 37, समीकरण 2H2+O2 2H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन को जुटना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और देखिए 38 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11। 40, अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है, अंतग्रहण। 41, अवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्या कहलाता है, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। 42, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है जी, जीवधारी। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, दो नियम। 43 का बी। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, 44 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, एगस्टन द्वारा। 45, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है, 46 राइट आंसर क्या होगा, तो 10। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या जरूरी है, हरे पेड़ पौधा। 48, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज के द्वारा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।